Hello friends, welcome to my channel Health and Wellness by Nidhi. My name is Nidhi and I'm a nutrition coach. आज के वीडियो में मैं कॉफ़ी और लेमन वेट लॉस टेक्निक के बारे में बात करूंगी। ये एक पॉपुलर टिकटॉक ट्रेंड से स्टार्ट हुआ, पर क्या सच में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तेजी से फैट बर्न हो सकता है? वेट लॉस में कॉफी और लेमन के अलग अलग बेनिफिट्स तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन मतलब कि अपनी ब्लैक कॉफ़ी में लेमन ड्रॉप्स स्क्वीज करके लगातार पीने से आपका तेजी से वेट लॉस हो जाता है, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो कॉफ़ी के बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले, कॉफ़ी एक ऑलमोस्ट जीरो कैलोरी ड्रिंक है अगर हम इसको ब्लैक पीते हैं बिना शुगर और बिना मिल्क के। कॉफ़ी जो है इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है क्लोरोजेनिक एसिड। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है और हमारे ग्लूकोज लेवल्स शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है और नए फैट सेल्स की एक्यूमुलेशन को रोक देता है। हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, वेट लॉस में मदद करता है। और कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि हमारे जो हंगर पैंग्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। ये हमारी भूख को, हमारी एपेटाइट को सप्रेस करता है, हमारे हंगर हार्मोन ग्रेलिन इसको भी रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से ये वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। और दूसरा ये क्या है, हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बूस्ट कर देता है, एक्टिव कर देता है, और जिससे कि हमें अलर्टनेस की फीलिंग आती है, हमारा मूड बूस्ट हो जाता है। और अगर आप इसको एज अ प्री वर्कआउट पीते हो तो आपकी जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। तो फैट बर्निंग के लिए इसकी अमेजिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। एंड इट कॉजेज बॉडी टू रिलीज मोर फैट बर्निंग एंजाइम ऑल्सो। तो ये एक नेचुरल जो है क्लेंजर के रूप में भी काम करता है, हमारे लिवर को भी क्लीन करता है और ये एक डायरेटिक का काम करता है, हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो वाटर वेट होता है उसको भी शेड करने में हेल्प करता है। अब हम चलते हैं लेमन वाटर की तरफ। लेमन वाटर में, लेमन में वाइटामिन सी होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जब हम लेमन वाटर पी लेते हैं तो हमें फुलनेस की फीलिंग आती है, हमारी एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है, हाइड्रेशन इंक्रीज होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है हमारा इससे, और इसमें विटामिन सी होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। तो ये जो है इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये जो है एक बहुत ही लो कैलोरी ड्रिंक भी है और ये बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक भी है। तो वेट लॉस में ये बहुत हेल्प करती है और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। बट अगर आप ये सोचो कि मैं अकेली खाली ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ लेमन डाल के, ठीक है, तो इससे आपका तेज़ी से वेट लॉस हो जाएगा, तो आई थिंक दिस विल बी अ रॉन्ग अप्रोच। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी में लेमन डाल के पियोगे तो एक तो ब्लैक कॉफ़ी ऑलरेडी बिटर होती है और लेमन जो है वैसे ही सावर होता है, ठीक है, खट्टा होता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अजीब सा ही कॉम्बिनेशन लगेगा आपको पीने में ये, और आप लॉन्ग टाइम तक इसको सस्टेन भी नहीं कर पाओगे, पी भी नहीं पाओगे। और दूसरी तरफ अगर आप अपनी ब्लैक कॉफ़ी अलग इन्जॉय करो, जैसे कि मैं अपनी जो फास्टिंग के दौरान ब्लैक कॉफ़ी को यूज़ करती हूँ या फिर मैं एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करती हूँ अपनी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ लेमन वाटर है उसमें अगर आप रॉक सॉल्ट डाल के पीते हो तो उसके अपने आप में अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। तो इन दोनों एक साथ पीने से कोई एक्स्ट्रा आपको जो है बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाला। दूसरा, अगर आप पी भी लोगे तो कुछ ऐसा मैजिकल होने वाला नहीं है अंटिल एंड अनलेस, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल चेंज। अगर आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपने फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे, मूवमेंट को नहीं बढ़ाओगे, स्लीप और स्ट्रेस को ट्रैक नहीं करोगे और एक लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, ये सब चीज़ें काम नहीं आने वाली। ये सिनेमन ड्रिंक, लेमन ड्रिंक, डिटॉक्स वाटर, ये सारे हेल्पफुल हैं वेट लॉस में, इनके अपने बेनिफिट्स हैं और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कंज्यूम करोगे तो ये आपको बेनिफिट देंगे। तो आप अपने लेमन वाटर को अलग इन्जॉय कर सकते हो और ब्लैक कॉफ़ी को अलग इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप साथ में पीना चाहते हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि ये एक तो इतनी हॉट होएगी और दूसरा ये आपके इनामल, टूथ इनामल को भी ख़राब कर सकती है, तो आपको इसको थोड़ा देख के सोच समझ के कंज्यूम करना। बाकी यही है कि अगर आप एक लाइफस्टाइल चेंज करोगे तभी ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वर्क कर पाएंगी। तो कोई भी एक ड्रिंक या कोई भी एक फूड कोई मैजिकल फूड नहीं होता, ये हेल्प करते हैं आपके, असिस्ट करते हैं आपके वेट लॉस में। तो क्विक फिक्स पे ना जाएं और एक हेल्दी सस्टेनेबल डाइट को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और शेयर करना ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।